प्रधान डाकघर में हुए 25 करोड़ के घोटालेबाज हैं रडार पर, बैंक खाते फ्रीज हो चुके हैं, 89 लाख रिकवर हो चुका है। चीफ पोस्टमास्टर जनरल कोरोना काल के बीच जिले के प्रधान डाकघर में शुरू हुआ आधार कार्ड बनाना। डाक विभाग झारखंड सर्किल की चीफ पोस्टमास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर गुरुवार को गिरिडीह पहुंची। ग्राहकों से जुड़े योजनाओं की समीक्षा करने शहर के गांधी चौक स्थित प्रधान डाकघर पहुंची चीफ पोस्टमास्टर जनरल। इस दौरान जहां पूरे डाकघर का निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए चीफ पोस्टर मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने कहा कि गिरिडीह के प्रधान डाकघर में हुए 25 करोड़ के घोटाले पर खास नजर है। सीबीआई की कार्रवाई अपने स्तर से किया जा रहा है, लेकिन डाक विभाग घोटाले के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ जल्द विभागीय चार्जशीट जमा करने जा रही है। इसी चार्जशीट के आधार पर घोटालों के आरोपी साहेबों और कर्मियों पर कड़ाई से कानूनी शिकंजा कसेगा। चीफ पोस्टमास्टर जनरल ने दावा करते हुए कहा कि घोटालों के कोई भी दोषी नहीं बचेंगे, क्योंकि अब तक किए गए काम के आधार पर दोषियों से 89 लाख नकद रिकवर हो चुके हैं, तो कई पदाधिकारी और कर्मियों के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। घोटालेबाज के उन बैंक खातों को फ्रीज किया गया जिसमें 25 करोड़ का गबन कर पैसे जमा किए गए थे और इन खातों से पैसे की निकासी की जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही सारे खाते फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन जल्द ही चार्जशीट दायर किया जाएगा। रूटीन इंस्पेक्शन में आई कमी क्या नजर आया? रूटीन इंस्पेक्शन में आया है, आप लोगों को भी पता ही होगा, गिरिडीह में तो अभी जो हुआ था बहुत बड़ा जी, उसमें भी आएंगे मैम। पहले जो रूटीन इंस्पेक्शन में कमी क्या है? इंस्पेक्शन में हम सारा ब्रांच का देखते हैं, किस तरह से जो मेंटेन करना है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, या फिर उसको लोग फॉलो कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट के जो गाइडलाइंस है वो फॉलो कर रहे हैं कि डिफरेंट ब्रांचेस के द्वारा, और फिर जो टारगेट वगैरह जिस जितने सब डिविजनल हेड हमारे इंस्पेक्टर्स रहते हैं उनके भी काम की हम समीक्षा करते हैं कि उनको जो टारगेट दिया गया था उसमें क्या हुआ था, अगर नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम्स है। डाक विभाग से जुड़े हुए जो लाभुक हैं या हम जिन्हें कंज्यूमर कहें, उनका सीधे तौर पर कहना है कि गिरिडीह के कई उप डाकघर में जो है सो स्पीड पोस्ट की सेवा अभी फिलहाल बहुत खराब स्थिति में है, बेहद खराब स्थिति है, मतलब क्या पुअर क्वालिटी में है हम कह सकते हैं उसको, कि लोग वापस लौट जा रहे हैं, कहीं कहीं बंद भी हैं। और जो लोगों को हो सकता है कि अभी जो डिले हो रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि लोग बहुत लोग कहते हैं कि अभी डिले हो रहा है स्पीड पोस्ट वगैरह का, जो भी टाइम बाउंड हमारा एड्रेस है उसमें भी आप जानते हैं कि कोरोना के चलते जो है वो ट्रेन वगैरह नहीं चलते, तो हमारे जो बहुत सारे डाक जो है वो ट्रेन से जाते हैं, तो इसके चलते फ़र्क पड़ा कि हम लोग को टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम लोग उसको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। जैसे फ्लाइट अभी चल रही तो रांची वगैरह से है कि आप फ्लाइट से बाकी जगह भेज देते हैं तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होती, गिरिडीह जैसा रिमोट है जो कि कनेक्टेड नहीं है फ्लाइट, मतलब आपका ट्रेन से या इस तरह की जो स्थिति है, तो उसके चलते यहाँ पर ज़्यादा लोगों को टाइम लग जा रहा है। उसके लिए भी हम लोग अभी, ये हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं विभाग की अलग अलग रूट पे हम लोग गाड़ी हायर करें और उस तरह से भेजें, जैसे कि अभी कलकत्ता भेजने के लिए रांची से कलकत्ता जाने के लिए कोई रूट नहीं है, तो हम धनबाद भेजते थे, धनबाद से कलकत्ता जाता है बाई, तो इसके चलते कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये टाइम, लेकिन पहले जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा तब तक वो स्थिति, आप भी ग्राहकों को हमारे कस्टमर्स को बताइए कि ये हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं है, कि कोविड के चलते इस तरह की जो स्थिति आ गई है जिसके चलते वो डिले हो रहा है।
आने वाले साल में क्या कुछ डाक विभाग कोई नया स्कीम लोगों के बीच लेकर आ रहा है क्या? जैसे आधार हमारा था तो धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के चलते तो बंद था काफ़ी दिनों तक लोग, क्योंकि हमारे स्टाफ भी थोड़ा डरे हुए थे और पब्लिक भी, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना, आपको बायोमेट्रिक्स लेना है, तो उसके चलते हम लोग धीरे धीरे करके अब खोल रहे हैं। सारे तो नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ भी मतलब पीपल एंड अबव ऑफिस जो हैंडेड ऑफिस है हम लोग आधार खोलने जा रहे हैं। आधार मतलब आधार कार्ड अब जो लोग बनाना चाहें वो डाक विभाग से बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, लेकिन अभी लिमिटेड, मतलब सारे पोस्ट ऑफिस में नहीं है। पहले भी कुछ चुनिंदे डाकघरों में उपलब्ध थी सेवा, तो जो बड़े ऑफिस है वहाँ पे जैसे गिरिडीह एचओ में तो लोग शुरू किए हुए, मतलब गिरिडीह हेड ऑफिस में बनने शुरू हो गए। कब से ये सेवा शुरू होने जा रहा है? ऑर्डर का तो सप्लाई भी अब कम हो गया, क्योंकि अभी तो मोड ऑफ पेमेंट बहुत सारे बदल रहा, आप देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट का जमाना आ गया है, तो इसलिए उसकी प्रिंटिंग भी कम हो रही, क्योंकि अब बहुत कम ही जो विभाग हैं जो कि पोस्टल ऑर्डर की मांग करते हैं पेमेंट के लिए, मतलब तो कोई ई पेमेंट से ले ले रहा है, कुछ बैंक का जो ड्राफ्ट बना के ले ले रहा है, इस तरह के बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन है जो कि लोग दे रहे हैं, मतलब जो विभाग जो है परीक्षा लेते हैं, इसलिए अभी प्रिंट भी कम हो रहा है, इसलिए वो समस्या तो वो रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहा है। बहुत कम ही विभाग है जो पोस्टल ऑर्डर की मांग करते हैं। विभाग को भी ये जानकारी है कि लगभग 35 से 40 करोड़ की है गबन का मामला सामने, करीब 25 करोड़ है। तो जो दर्जन या दो दर्जन फर्जी अकाउंट तैयार किए गए हैं, केस दर्ज हुआ, कुछ कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं, लेकिन जांच वहीं का वहीं है। शुरुआत में जो क्योंकि ये सारा काम हमने सीबीआई को सौंप दिया जी, उसके बाद तो फिर विभाग के काम बहुत कम करने को रह जाता है, जो कि फर्दर जो फॉलो अप करना है तो फिर सीबीआई वो अपने जांच करेगी उसके हिसाब से, लेकिन हम लोग डिपार्टमेंटली भी जो हमारे जो स्टाफ जो इन्वॉल्व है उसका भी इंक्वायरी ये लोग कम्प्लीट करनी है, तो उसको भी हम लोग चार्जशीट अपना डिपार्टमेंटल नियम के तहत कर ले जा रहे हैं, तो उनको विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। क्या इस पूरे मामले में जो रिटायर्ड डाक अधीक्षक थे उनका कोई रोल आ रहा है इसमें? ऐसा तो उन्होंने ही पहले रिपोर्ट किया था, उन्होंने ही ये बात रिपोर्ट की थी तब हमारे नहीं, ये बात सामने भी आ रहा है ना कि वो बचने के लिए FIR करवाए थे। लेकिन सवाल इसीलिए हमने सीबीआई को दिया है कि आप हर एंगल से देख लें, वो लोग तो इस मामले में एक्सपर्ट हैं। लेकिन मामला चूंकि काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 9 महीने से अधिक हो चला है पूरे मामले का जांच हुआ है और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है, लोग सवाल इसी चीज़ का। ठोस कार्रवाई तो जब तक वो जाएगा कि वो तो अपना चले गए, हम लोग अभी विभागीय रूप से चार्जशीट करने जा रहे हैं, 12-13 लोग को सस्पेंडेड हैं अभी, तो उन पर हम लोग फिर विभागीय कार्रवाई करेंगे, उन पर एक्शन होगा, और उसके साथ है कि कुछ रिकवरी भी कुछ हुई है, हम लोग जो हमारे जो स्टाफ इन्वॉल्व हैं उनसे भी कुछ रिकवरी भी है। क्या पेमेंट राशि रिकवर हुआ है? हाँ, कितने का राशि रिकवर है? 89 लाख। और कुछ लोगों के अकाउंट है जो कि हमने फ्रेज कराए, जिनके कर्मचारी थे कर्मचारियों के जो अकाउंट है, अच्छा कितने अकाउंट फ्रेज हुए हैं?